नमस्कार दोस्तों, बीपीएन न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कर बहुत डायरेक्टर एंड रुचि हरियाणा। साथियों, जैसी हर प्रकार की न्यूज़ आप तक हम प्रेषित करते हैं वो सामाजिक लेवल की, धार्मिक लेवल की, क्राइम लेवल की या राजनीतिक लेवल की है। आज हम पहुंचे हैं सोहना के बड़ा मोहल्ला में, और बड़ा मोहल्ला के साथ में लगती है शीतला कॉलोनी, और यहाँ से जो भावी चेयरमैन पद की उम्मीदवारी है वो है एक राष्ट्रीय पार्टी की कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता मैम इंदु जी। और इंदु जी एक पढ़े लिखी एमए जेबीटी इन्होंने अपना अध्ययन भी किया हुआ है, शिक्षित महिला है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक थिंकिंग रही है कि युवाओं के हाथ में बागडोर हो और युवाओं के हाथ में भी शिक्षित पर्सनों के हाथ में बागडोर हो। तो आज हम इंदु जी से जानना चाहेंगे, उनके साथ में है भाई राजपाल जी से भी हम जानना चाहेंगे कि वो क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं। यदि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यदि उनको टिकट देती है या उन पर विश्वास करती है और उनको टिकट देती है और वो बन भी जाते हैं, तो उनका सबसे पहला जो एजेंडा है वो सोना के लिए क्या रहेगा? इंदु नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, पूरे परिवार का, आपके सोना क्षेत्र का और आपके मोहल्ला बस्ती का सभी का वेलकम करता हूँ। आप हमारे साथ प्रथम बार जुड़ रहे हैं। मैम, काफ़ी दिन से यहाँ पे पार्टी में सक्रिय हैं, और यदि समुदाय की मैं बात करूँ तो वाल्मीकि समुदाय में शायद बीजेपी ने जितना स्थान दिया है अन्य पार्टियों ने नहीं दिया है, ये मैं भी मानता हूँ चीज़ को। 50 ईयर्स की मेरी एज हो गई और ये हम देखते आए। भले ही कांग्रेस कितना भी अपने आप को हितैषी समझती हो दलित समाज की या माइनॉरिटीज पिछड़े समाज की, लेकिन वो एक यूज एंड थ्रो करने वाले ही मुझे लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दलित उत्थान के लिए, चाहे वो सफाई कर्मचारी आयोग स्टेट का पद हुआ हो या बाबा साहेब डॉक्टर बीआर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल को पास करने की बात हो, 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, या भारत रत्न की यदि हम बात करें तो भारत रत्न भी 90 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ही प्रोवाइड किया, जबकि बाबा साहेब को वो अवार्ड 1956 में ही मिल जाना। तो दिखावा में, करने में और कथे में बहुत अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी, सबके विकास को साथ लेकर चलती है, महिलाओं पर ज़्यादा भरोसा किया। अभी 3-4 दिन से हमारा महिला मंडल के साथ में ही, महिला मोर्चा मंडल जो बनाया है उनके साथ में ही हमारे कंटिन्यू मीटिंग चल रही है गुड़गांव। महिलाओं को और युवाओं को जितना श्रेय भारतीय जनता पार्टी ने दिया है इतना किसी पार्टी ने नहीं दिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये बीजेपी पार्टी ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है, सुकन्या योजना है, लाडली योजना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बाबा साहेब ने अपने पद से इस्तीफा दिया, लास्ट में उस लड़ाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी 370 को हटवाने के चक्कर में वो बलिदान तक भी हो गए, और मोदी जी ने आने के बाद में उस बाबा साहेब के हिंदू कोड बिल के साथ उस 370 को एक झटके में खत्म किया। उस दिन मैडम कैसे लगा आपको इंदु? उस दिन तो ये लगा कि आज सही मायने में, जैसे कहते हैं ना कि कश्मीर स्वर्ग है, आज स्वर्ग हमारा हो गया। मैं 2016 में कश्मीर घूमने गए थे, तो मेरे मुंह से ना पता तो था ही कि भाई 370 की वजह से यहाँ पे अलग ही संविधान मानते हैं, पर मैं तो एक तरह से सुनना चाहती थी कि इनके अंदर के विचार क्या है वहाँ के लोगों के। तो था एक बंदा, तो मैंने कहा कि धरती पर अगर स्वर्ग है तो यही है, यही है, और भाई कश्मीर सचमुच में भारत का हिस्सा है और ये स्वर्ग है। तो उस बंदे को ये बात इतनी बुरी लग गई जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि कश्मीर भारत का नहीं है। कि अच्छा, फिर मैं कि भैया आप ऐसा क्यों मानते हो, सारी सुविधाएं हैं जो योजनाएं हैं वो क्या भारत नहीं देता, पाकिस्तान देता है? नहीं, योजना तो आती है, देखो आपका दिल्ली देखो और यहाँ का देखो विकास, हमारा विकास इतना नहीं है। मैं कि ये तो देखो आप, कुछ यहाँ का माहौल ऐसा है, आतंकवाद है, इस तरह की पैसा जो विकास में लगना चाहिए वो पैसा आतंकवाद कंट्रोल करने में लग रहा है। हाँ, तो मैं ये चीज तो देखो कमी तो होगी ही, आप ये नहीं कह सकते कि योजनाओं का भी आपको लाभ नहीं दिया जा रहा। तो फिर उन्होंने हम भी थोड़ा मुद्दा जब घूमने के लिए आए तो पढ़ाना ही चाहते थे, तो फिर थोड़ा शांत हो गया। फिर मैंने सोचा ये चीज तो बहुत कैसी सोच है, मैंने इनको भी बताया, और उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। और कोई भी पार्टी शायद वोट बैंक की वजह से या किसी धर्म संप्रदाय को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहती थी, उसको गुस्सा नहीं करना चाहती, कुछ भी लगा लो, कोई कुछ भी वजह होगी, किसी ने ये कदम नहीं उठाया,
मोदी जी ने, पता था कि विरोध भी होगा, हो सकता है आगे मैं बन भी ना पाऊं, कुछ भी हो सकता था, और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और भारत को एक सूत्र में बांधने का, एक सूत्र में बांधने का काम किया, जो हमारे सरदार जी ने चाहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो सपना पूरा हुआ हमारा। तो देखिए, ये इंदु, यदि मैं ये कहूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, जिनको हम विश्व रत्न कहते हैं, भारत रत्न कहते हैं, उनको असली शांति, उनकी आत्मा को असली श्रद्धांजलि उस दिन मिली जिस दिन धारा 370 देश खत्म। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, ये हमारा एक धार्मिक निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पर सब इक्वलिटी है, सब एक है। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा उसी उद्देश्य के, क्योंकि हम भारत के लोग, यहाँ कोई जाति धर्म नहीं है, बल्कि हम एक मूल निवासी जन हैं, हम एक भारत के सनातनी हैं। नरेंद्र मोदी ने वो काम करके दिखाया जिसकी कभी किसी सरकारों ने कल्पना भी नहीं की थी, को मतलब बाहर नहीं समझा गया। और सबसे बड़ी ये नहीं कि भाई हिंदू समाज की महिलाओं के लिए मोमडन, आप ये मुद्दा तो बहुत ज्यादा, तीन तलाक वाला, बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका जो जीवन नरक हो जाता था। जी जी जी, हाँ, वो कहीं की नहीं रहती थी महिला, चाहे वो कितनी एजुकेटेड, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, और अब तो नेवी में एनडीए में जो महिलाओं को अपना योगदान देने का मौका मिला है, जबकि हम 50% तो है ही जनसंख्या में, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमें तो मौका मिलना ही चाहिए था, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था काम, और अब हुआ है, चलो देर से हुआ पर अच्छा तो हुआ, अच्छी बात। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक, अच्छा मैं इंदु जी सवाल और करूंगा आपसे, पिछले साल महाकुंभ के मेले में बनारस में, जिस हमारे समाज को निम्न नजरों से देखा जाता था, उस समाज के 21 कर्मचारियों के प्रधानमंत्री जी पैर धोते हैं, उन्हें जूती पहनाते हैं, उस दिन कैसा फील हुआ? ये तो देखो बहुत गर्व की बात है, ये मान लो मैं तो इस समाज की ही हूँ, मुझे मेरे लिए तो है ही, और सबके लिए जो सफाई कर्मचारी को एक निंदनीय दृष्टि से देखते हैं, हीन दृष्टि से, तो उनको भी लगा होगा जब हमारा प्रधानमंत्री पैर छू सकता है तो हम क्यों इनका निरादर करते हैं, कूड़े वाला कहते हैं, जबकि कूड़े वाले तो हम खुद ही होते हैं। सच्चाई, और भाई, और बहुत सारी चीजें हैं, उनका उनकी मानसिकता शायद मेरे हिसाब से बदली होगी। जी 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 जी, कुछ तो फर्क पड़ा होगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये साबित किया, पूरे विश्व ने उस चीज़ को देखा, कि जिस समाज को निम्न नज़रों से आप देख रहे हैं, रामायण के रचयिता भी वही है, सृष्टि के रचयिता भी वही है, महाभारत के रचयिता भी वही है, पुराण के रचयिता भी वही है, संविधान के भी रचयिता वही है। और बात आती है 50% महिलाओं को आरक्षण देने की, सम्मान देने की, तो भगवान वाल्मीकि जी तो आज से लगभग कई लाख वर्ष पहले श्री राम जी की सिया को शरणदाता कहे गए हैं, उनको शरण देने वाले बने। राजपाल जी, अभी इंदु जी एक प्राइवेट स्कूल में जॉब भी करती थी और वेल एजुकेटेड पर्सन है, और अभी पार्टी में भी सक्रिय कार्य करता है, पार्टी यदि इनको नॉमिनेट करती है और इनको चिन्हित करके इनको मैदान में उतारती है, तो सर क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पार्टी हमें मौका देती है तो हम अपना मतलब पूरा हर तरह से मतलब पार्टी के साथ रहेंगे जी, और विधायक जी से कंधे से कंधा मिला के साथ काम करेंगे उनके। तो जितने भी योजनाएं हैं, चाहे वो सफाई योजना है, चाहे वो शहर के विकास की योजना है। सबसे प्रथम ग्रंथ हमारा लिखा गया धरती पे, इंदु जी मैं थोड़ा सा अभी धार्मिक उसमें आ जाता हूँ, सनातनी उसमें, क्योंकि मैं भी सत्संग लाइन से बिलोंग करता हूँ। और भगवान वाल्मीकि ने खुद, अब जो ब्राह्मण शास्त्री है वो बताते हैं कि जी 10,000 साल पहले उन्होंने राम लेख लिख दिया कि ऐसा होगा, तो सेम वही हुआ जो उन्होंने लिखा हुआ था। श्री कृष्ण ने वहाँ अब गीता में कहा है, जब अर्जुन ने पूछा कि सर आप कब कब अवतार लेते हैं भगवान, तो श्री कृष्ण जी ने कहा यदा यदा ही धर्म से गिलाने बहुत बार, जब जब धर्म का नाश होगा तब तब मैं अवतरित होता रहूँगा। और मैं एक वाल्मीकि समाज को भी एक वो समाज मानता हूँ जिन्होंने गुलामी करना पसंद कर लिया, गंदे से गंदा कर्म करना पसंद कर लिया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। इसके लिए भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि हम सनातनी हैं और पार्टी बाद में है, सबसे पहले राष्ट्र है,
हम राष्ट्र की धरोहर है और राष्ट्र आपका है, आप भी राष्ट्र की धरोहर है, राज्यपाल जी भी राष्ट्र की धरोहर है, जो यहाँ का एक एक प्राणी है वो राष्ट्र की धरोहर है और राष्ट्र सर्वप्रथम। तो मैम युवाओं को क्या कहना चाहिए, आज के युवा ना हमारे नशे की तरफ और क्राइम की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले जैसे बाबा साहब ने कहा जी, शिक्षित संगठित और संघर्ष करो। संघर्ष तो देखो हर किसी के जीवन में आता है, सभी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, पर ये संघर्ष ऐसा होना चाहिए कि जिसका सबको लाभ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और बच्चों से कहना चाहूंगी वो अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दे। मैंने भी शादी के बाद भी अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ा, जेबीटी और एमए मैंने बाद में रेगुलर किया है, जेबीटी तो, और अपनी पढ़ाई जारी रखी। तो ये अलग बात है, कई लोगों की सोच होती है कि भाई शायद नौकरी करे तो ही शिक्षित हो, है और कई ये सोचते हैं कि चलो नौकरी लायक तो 10 या 12 तो हमने कर ली और अब पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, हम छोड़ देते हैं और जो भी काम मिलता है वो करने लग जाते हैं। और एजुकेशन का तो बहुत बड़ा हाथ होना होता है अपने जीवन जी, में जी, जी, और युवा को मैं कहती हूँ कि नशा बहुत बुरी लत है, ये नहीं कि वो दो घरों को पूरी जिंदगी नरक बना देगी, हमारा शरीर तो जाएगा ही जाएगा, माँ बाप अड़ोसी पड़ोसी सब उस आदमी से परेशान हो जाते हैं और उसके फैमिली भी, और अपना विकास तो समुचित विकास कभी जिंदगी में नहीं कर सकता जो नशेड़ी व्यक्ति होता है। और जी, पढ़ाई की तरफ सभी को, ये नहीं कि लड़कों की, लड़कियों की पढ़ाई की तरफ भी सबको ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चे को चाहे मजदूरी करके पढ़ाई पर पढ़ाई जरूर पढ़ाना चाहिए। तो ये आपने सुना इंदु जी को हमारे साथ में, इंदु जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, शुभाकांक्षाएं साथ में, और मैं परमपिता परमात्मा से ऐसी दुआ करता हूँ अपने पूरे चैनल टीम के माध्यम से, सेंट्रल कमेटी की तरफ से, स्टेट कमेटी की तरफ से, कि भगवान आपको आपके उद्देश्य में कामयाबी प्रदान करे और आप एक समाज हित के लिए कार्य करना चाहते हैं, सर्वजन हित के लिए कार्य करना चाहते हैं, और जब आप सच्ची आत्मा से यदि इस मैदान में उतरने की जब फिराक में हैं, कोशिश में हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान आपकी अवश्य